तो इसी प्रकार से ईश्वर ने भी जब ये सृष्टि बनाई तो सृष्टि को बनाने के साथ ही उन्होंने कुछ सिस्टम तय कर दिए और उन सिस्टम के ऊपर ही ये सारी सृष्टि चल रही है। हम यहाँ बैठे हैं, मेरे सामने गंगा नदी बह रही है। अब इसको जो गति दी गई है तो प्रतिपल इसको कोई आकर के धक्का मार रहा है फिर ये आगे चल रही है, ऐसा नहीं है। एक बार एक ऑटो सिस्टम के ऊपर इसको डाल दिया, अब ये ऑटोमेशन पे काम कर रही है, एक गति इसको दे दी और ये जब से सृष्टि बनी तब से उसी गति से बह रही है। पृथ्वी को एक गति दे दी, अब वो पृथ्वी उसी गति से घूमे जा रही है। सूर्य को, चंद्र को, वायु को एक गति दे दी, एक सिस्टम में उनको ढाल दिया, अब उसी सिस्टम में वो काम किए जा रहे हैं। अब रात दिन बने जा रहे हैं, वर्ष बने जा रहे हैं पृथ्वी और सूर्य की गति के आधार पे। तो रोज़ रोज आके ऐसे फिरकी की तरह ईश्वर को नहीं घुमाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से इन स्थूल वस्तुओं की गति के लिए ईश्वर ने सिस्टम लगा दिए, ऐसे ही सूक्ष्म रूप से भी सिस्टम लगाए हुए हैं इस सृष्टि में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में, चित्त में, इस प्रकार के सिस्टम लगे हुए हैं और उसको कोई हैक नहीं कर सकता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता है। वो इतने वर्षों से चल रहा है, जनसंख्या बढ़ गई तब भी चल रहा है, जनसंख्या कम हो जाए तब भी चलेगा, वो प्रलय तक चलता ही रहेगा और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो उसमें एक ऑटोमेशन का सिस्टम वहां स्थापित कर देते हैं और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनते रहते हैं। अब जो कंपनी का मालिक है, जैसे पतंजलि में इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो एक एक प्रोडक्ट को थोड़े ही स्वामी जी महाराज और आचार्य जी थोड़े चेक करते हैं कि ये ठीक बना या इसमें कोई मिलावट हो गई, या इसमें 200 ग्राम भरना था तो इसमें 10 ग्राम कम आ गया इस डिब्बी में, तो ऐसे एक एक को चेक नहीं करते, एक एक पीस को। एक सिस्टम लगा दिया, वहाँ सेंसर लगा दिए, उस सेंसर के ऊपर जब वो सामान आएगा तो जब भी उसमें कोई फॉल्ट होगा तो वो सेंसर उसको बाहर फेंक देगा, उसको पैक नहीं करेगा। तो पता लगेगा कि या तो इसमें तोलते समय कुछ कम डला होगा या तो इसका कैप ठीक नहीं है, जो भी उसमें फॉल्ट है वो उसको बाहर कर देता है। ऑटोमेशन पे काम हो रहा है वहाँ पे, ऐसे ही ये सारा सृष्टि का कार्य भी ईश्वर का ऑटोमेशन पे काम कर रहा है। ठीक समय पे ऋतुएं आती हैं, ठीक समय पे बारिश, सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत, सब ऋतुएं अपने अपने समय पे आती हैं। सूर्यास्त, सूर्योदय, कब बारिश होगी, कब ठंडी हवाएं चलेंगी, कब किस ऋतु में गर्म कपड़े पहने जाएंगे, ये सब पहले से ही तय है और उसी समय पे आता है वो, क्योंकि वो सिस्टम काम कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है कि एक दिन ईश्वर के मन में आए तो जून में गर्मी कर दे और कभी उसके मन में आए तो दिसंबर में गर्मी कर दे, ऐसा नहीं होता है। वो एक सृष्टि बनाते समय सिस्टम बना दिए, अब वो वैसे ही चलेगा। उनको बोलते हैं ऋत नियम। ऋतंच सत्यम चाभिधात तपसोध्य जायत ततो रात्र्य जायत तत समुद्रो अर्णव। जो संध्या करते हैं उनमें एक मंत्र आता है ये, ऋतंच सत्यम चाभिधात तपसो अधि अजायत। ऋत और सत्य उत्पन्न हुए इस सृष्टि में पहले, पहले नियम बनाई गई, क्योंकि किसी संस्थान को, किसी सिस्टम को चलाना होता है तो पहले उसका एक संविधान बनाया जाता है कि ये कैसे चलेगा, ये संगठन कैसे चलेगा, क्या संविधान होगा इसका, ये राष्ट्र यदि स्वतंत्र है तो इस राष्ट्र का संविधान क्या होगा, क्या नियम होंगे इस राष्ट्र को चलाने के, ये सृष्टि यदि बनाई जा रही है तो इस सृष्टि को चलाने के लिए कौन से नियम काम करेंगे, कैसे चलेगी ये सृष्टि। तो जो चार वेदों की रचना है वो इस सृष्टि का संविधान है, उसमें सब लिख दिया है ईश्वर ने और जो वहाँ लिखा है वो सारी सृष्टि में काम कर रहा है। जैसे देश का एक संविधान है और देश के संविधान में जो लिखा है उसी सिस्टम से पूरे देश में काम हो रहा है।
सीएम क्या करेगा, पीएम क्या करेगा, न्याय व्यवस्था कैसी होगी, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था कैसी होगी, सब उसमें लिखा हुआ है, उसी सिस्टम पे काम चलता है। यहाँ पर भी बहुत सारे काम, बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं। जैसे एक नियम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम पृथ्वी में ईश्वर ने उसको फिट कर दिया, जो उसकी एक रेंज है कि ये पृथ्वी, ये जो नियम है ये उस रेंज तक काम करेगा। वहाँ तक कि कोई भी वस्तु, उस रेंज तक की कोई भी वस्तु जो है उसको पृथ्वी अपनी तरफ नीचे खींचेगी। उस रेंज से बाहर चला गया वहाँ ये काम नहीं करेगा। तो जो बहुत ऊंचाई पे उड़ने वाले जहाज हैं या जो रॉकेट आदि हैं उनको तो पृथ्वी नहीं खींचती है, लेकिन वृक्ष से जो फल या पत्ता अलग होता है तो वो ज़मीन पे ही आता है, वो आकाश की तरफ नहीं जाता है। तो नीचे ही क्यों आता है, इसके ऊपर तो न्यूटन ने वर्षों लगा दिए और तब कहीं उसने जाके बताया कि इसमें एक ग्रेविटेशन का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन वो तो उससे पहले भी काम कर ही रहा था, सेब तो पहले भी नीचे ही आते थे, आज भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। एक व्यक्ति का ध्यान चला गया उस तरफ, तो हमारा ध्यान जाए या ना जाए सृष्टि के नियम तो काम कर ही रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो जिस प्रकार से ये नियम सबके लिए समान रूप से काम करता है, अब वो वस्तु चाहे ऊपर उछाली जाने वाली वस्तु सोना है, चांदी है, हीरा है, कीचड़ है, पत्थर है, जो कुछ भी है, अच्छी से अच्छी वस्तु है, बुरी से बुरी वस्तु है, तो भी नियम उसको नीचे ही खींचेगा। नियम ये नहीं कहेगा कि ये तो धूल है, ये तो कीचड़ है, इसको नीचे क्या खींचना है, ये तो ऊपर ही जाए तो अच्छा है। कोई 7 मंजिल की बिल्डिंग से कोई सन्यासी छलांग लगाए, योगी छलांग लगाए या एक पागल आदमी छलांग लगाए, दोनों नीचे ही आएंगे। ये नियम ये भेदभाव नहीं करेगा कि ये तो विद्वान है, योगी, इसको क्या नीचे खींचना, इसको चोट लग जाएगी, इसको तो चलो ऊपर ही ऐसे रख लेते हैं और दूसरे वाले को नीचे खींच लेते हैं क्योंकि ये तो दुष्ट है, ये मर जाए तो ये अच्छा है। दोनों नीचे आएंगे, दोनों को चोट लगेगी। वो सबके लिए काम करता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे ही हमारे चित्त में भी सारी सृष्टि के, सब प्राणियों के अंतःकरण में ईश्वर ने एक सिस्टम फिट कर रखा है और कोई मनुष्य की ताकत नहीं है जो उस नियम को चेंज कर सके। वो है लॉ ऑफ थॉट्स, लॉ ऑफ इमोशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे नियम हैं, रित नियम हैं ये। इसको हमारे ऋषियों ने जान लिया था, लॉ ऑफ थॉट्स, विचार की महिमा, विचार का साइंस, विचार का विज्ञान। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है नारद और सनत कुमार का। तो वहाँ पर नारद बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं शाब्दिक दृष्टि से, लेकिन उनके अंदर उनको शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसलिए वो गुरु के पास जाते हैं कि मैंने आप जैसे ऋषियों से ही सुना है कि जो आत्मवित होता है वो शोक को तर जाता है, उसके पार चला जाता है। तो मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया लेकिन मैं शोक के बाहर नहीं गया, शोक के पार नहीं गया अभी भी, तो आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा पहले क्या क्या पढ़ आए हो उसके बारे में बताओ। तो उन्होंने जो भी पढ़ा था, चारों वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण और क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, सब उन्होंने पढ़ा हुआ था। इन सब को मिलाकर के सनत कुमार ने कहा ये तो शब्द मात्र है। तो उन्होंने कहा अच्छा कि इससे भी ऊंची चीज है क्या कोई? तो उन्होंने कहा हाँ, इससे तो बड़ी वाणी है, वाणी से भी बड़ा। फिर वो एक बड़ा प्रसंग चलता है, तो उसमें एक आता है कि हमारे अंदर का जो संकल्प है वो बहुत बड़ी चीज़ है। संकल्प कहें या उसको विचार कहें, जैसा हम संकल्प करते हैं, ये जो मनुष्य है ये कैसा है, काममयो अयम पुरुष, कामना वाला है ये। और जैसी ये कामना करता है कि ऐसा हो मेरे जीवन में, फिर उसके लिए ये वैसा ही संकल्प लेता है,
कि मैं ऐसा करूँगा। जैसा संकल्प लेता है वैसा ही फिर ये पुरुषार्थ करता है, और जैसा ये पुरुषार्थ करता है वैसा फिर ये बन जाता है। तो ये नियम चल रहा है हमारे अंतःकरण में, हम कैसा सोचते हैं सृष्टि के बारे में, कैसा सोचते हैं मनुष्यों के बारे में, कैसा सोचते हैं अपने संबंधियों के बारे में, कैसा सोचते हैं अपने माता पिता के बारे में, कैसा सोचते हैं अपने सास ससुर के बारे में, कैसा सोचते हैं अपने बेटे बेटियों के बारे में, कैसा सोचते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में, हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं। जो जो हमारे मन में चलता है वैसा वैसा हमें वहाँ वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। आप अपने माता पिता के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, प्रीतिपूर्वक सोचते हैं, आपको ये विश्वास है कि वो हमारा अहित नहीं करेंगे, और हमें रिजल्ट भी क्या मिलता है, माता पिता कभी हमारा कोई नुकसान नहीं करते हैं। भले ही उनको वो पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, भले ही वो योगी नहीं हैं, लेकिन दूसरे का नुकसान कर सकते हैं, अपने बच्चे का कभी भी नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही सिस्टम काम कर रहा है। माता पिता के अंदर भी ये विचार चलते हैं कि मुझे भले ही मैं किसी दूसरे को तंग कर लूं, लेकिन अपने बच्चों को मुझे कष्ट नहीं देना है। इधर से बच्चे भी यही सोच रहे हैं अंदर से कि हमारे माता पिता हमें कष्ट नहीं दे सकते, हमारे तो यही भगवान है, हमारे तो यही आश्रय हैं। तो वहाँ से वही रिजल्ट आता है फिर। और जैसा हम किसी दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो मेरा कभी भी नहीं हो सकता है, ये व्यक्ति तो मुझसे द्वेष ही करता है, ये तो ईर्ष्या ही करता है, ये जो दिखा रहा इसमें सत्य नहीं है, तो हम क्या सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति में तो ये दुर्गुण हैं, इस व्यक्ति में ये कमजोरियाँ हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं, कमजोरियों के बारे में सोच रहे हैं, उसके दुर्गुणों के बारे में सोच रहे हैं, उसकी न्यूनताओं के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हमें वापस क्या मिलना है, उसका वैसा ही रूप हमारे सामने आने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ थॉट्स, जैसा हम विचार करते हैं और विचार के साथ साथ फिर वैसा ही भाव बना लेते हैं हमारे हृदय में, यह है लॉ ऑफ इमोशंस। कोई दो बच्चे जब वो कभी अचानक मिलते हैं और एक दूसरे को देख करके उनके मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम दोनों साथ साथ जीने का फैसला कर लें, क्यों ना हम शादी कर लें। बताया नहीं किसी ने भी, किसी को कुछ भी बोला नहीं, लेकिन वो विचार चल रहा है उनके मन में और वैसा भाव भी चल रहा है दोनों साइड से। तो फिर कुछ समय के बाद वो एक रिश्ते में बंध जाते हैं, और इतने अच्छी तरह से रिश्ते में बंधे थे, उसके बाद विचार शुरू हो गया कि नहीं मैंने तो गलत निर्णय ले लिया, जैसा मैंने इस व्यक्ति के बारे में सोचा था वैसा तो है ही नहीं, ये तो कुछ अलग है, दूसरा भी ऐसे ही सोच रहा है। तो वो एक साथ रहते हुए भी ये जो विचार और ये जो भाव हैं, ये एक दिन उन दोनों को अलग कर देते हैं। ये है लॉ ऑफ थॉट्स एंड लॉ ऑफ इमोशंस, अंदर जो चल रहा था उसकी ही विजय होने वाली है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी से मिलता जुलता है, हम चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो ये हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि हम सत्य को आकर्षित करते हैं या असत्य को आकर्षित करते हैं। सत्य का मतलब है प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, दान, सेवा और सकारात्मक सोच, ये सब सत्य में आ जाते हैं। जो अच्छे अच्छे सद्गुण हैं ये सब सत्य के हिस्से में आते हैं। और असत्य क्या है, मृत्यु क्या है, अंधकार क्या है, अविद्या क्या है, ये सब एक ही उसको कहने के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जब हमारे मन में कुछ असुरक्षा का भाव है, भय है, हमारे मन में कुछ कमी हमें महसूस हो रही है, कुछ उलाहना देने का भाव है, कुछ थोड़ा सा टेंशन है, कुछ थोड़ा सा हमारे उसमें खीज है, प्रतिशोध की भावना है, बदला लेने की भावना है, कहीं घृणा की भावना है, नापसंद करने का भाव है, ये सारे असत्य में आ जाते हैं। तो हम
उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर सेट हो जाती है जैसा जैसा हम सोचते हैं और जैसा जैसा हम भाव करते हैं। तो ये यम नियम हमें क्या बता रहे हैं? अहिंसा, सत्य, ये हमें बता रहे हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य में प्रतिष्ठित होने से सब क्रियाओं का जो फल है वो हमारे अनुकूल आता है। हमारे अनुकूल आता है मतलब जब हम सत्य में प्रतिष्ठित होंगे तो हमारा कुछ पसंद नापसंद ऐसा कुछ है ही नहीं। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार मुझे जो मिलना चाहिए वही मिले, मुझे क्या प्रयास करना है वो मेरे हाथ में है, मुझे क्या सोचना है वो तो मेरे हाथ में है, उधर से कुछ और मिल रहा है। हमें कई बार लगेगा कि जी हम तो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही कर्म करते हैं, फिर भी दूसरी साइड से वो वाला रिस्पॉन्स तो नहीं आता है, अच्छा तो नहीं आता है, तो सत्य की विजय कहाँ हुई? अगर वो नहीं आ रहा है तो यहाँ दो चीज़ें जांच करने की आवश्यकता है। या तो कभी कोई पीछे का हिसाब किताब बचा होगा इसलिए अच्छा करते हुए भी कष्ट मिल रहा है, तो कोई नहीं, वो भी ऋण से मुक्त हो रहे हैं। पीछे का कोई ऋण था उन आत्माओं का और अब हम उससे मुक्त हो रहे हैं, तो भी हमें रिलैक्स होने की ही आवश्यकता है। और यदि पीछे का तो कुछ भी नहीं था पर वो व्यक्ति अपने अज्ञान से कर रहा है तो कम से कम मैं तो ठीक हूँ, वो बीमार है तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो कभी भी हमें दूसरे व्यक्ति के किसी व्यवहार से परेशानी नहीं होती है, हमेशा हमें अपने ही विचार से, अपने ही भाव से, अपनी ही सोच से वो परेशानियाँ होती हैं। हम उन चीज़ों को किस रूप में ले रहे हैं? कभी व्यक्ति कहता है कि मैंने तो बहुत सब अच्छा अच्छा करके देख लिया और मुझे नहीं संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला जो मेरे को समझ सके और जो मेरी इस अच्छाई को जान सके, और जिन लोगों के लिए मैं इतना पुरुषार्थ करके, मेहनत करके उनको खुश करने के लिए मैंने इतना संघर्ष झेला, वही व्यक्ति उनका कुछ दूसरा रूप सामने आ रहा है। तो कभी व्यक्ति सोचता है फिर मेरे जीने से भी कोई लाभ नहीं है, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, और वो व्यक्ति यहाँ तक कि अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोच लेता है, आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। वो कहता है मैं किसके लिए जीऊँ? जिनके लिए जी रहा था वो तो मेरे को समझ ही नहीं रहे, तो मेरे तो जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। तो ये विचार कैसा है? ये असत्य विचार है, क्योंकि कोई किसी के प्रयोजन के लिए नहीं जी रहा है यहाँ संसार में। अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि हम किसी के लिए जी रहे हैं तो ये हमारा अज्ञान है। हम सब आत्माएं अपने अपने ही प्रयोजन से जी रहे हैं। ये संबंध तो ऐसे ही हैं जैसे नदी में चलते चलते कभी दो पत्ते मिल जाते हैं, फिर वो थोड़ी दूर साथ साथ चलते हैं, फिर एक लहर आती है, वो पत्ते अलग हो जाते हैं और अब वो सदा सदा के लिए अलग हो गए, कभी नहीं मिलने वाले हैं अब वो। तो ये संबंध तो ऐसे ही हैं। कुछ बचपन में संबंध बने थे जो केवल बचपन तक सीमित थे, अब वो हमने तोड़े भी नहीं, लेकिन अपने आप ही वो बचपन के साथ ही पता नहीं कहाँ कहाँ बिखर गए। आज ये हमें पता भी नहीं है कि जो हमारे साथ पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनका जीवन आज कहाँ है, कैसे हैं, किस दशा में हैं। कभी भूले भटके कोई एक आध मिल जाता है वर्षों के बाद, तो वो संबंध तो बना उन व्यक्तियों, उन आत्माओं के साथ, लेकिन वो संबंध कुछ वर्षों का था, छूट गया और हमने तोड़ा भी नहीं, सहज अपने आप अलग हो गए। वहाँ से अलग हुए, फिर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स मिल गए, दूसरे फ्रेंड मिल गए हमें, तो फिर तो लगता था कि ये तो आजीवन साथ निभाने वाले हैं और जीवन बस ऐसे ही चलेगा हमारा, मौज मस्ती में, हंसी खुशी में, खेल कूद में। और ऐसे चलते चलते एक दिन हमारी BA MA डिग्री पूरी हो जाती है और वो भी अपने अपना अलग रास्ता अपना लेते हैं, उनका एक अलग अलग दुनिया बस जाती है, वो भी धीरे धीरे छूट जाते हैं। फिर किसी से शादी हो जाती है, पति पत्नी बच्चे, अब इन आत्माओं के साथ संबंध जुड़ गया, तो इन आत्माओं के साथ संबंध जो है वो और 50, 60, 70, 80 साल तक चल जाएगा। मान लो 20 साल में यदि 25 साल में शादी हुई और इस व्यक्ति की उम्र है 100 साल की, तो ये 75 साल का संबंध लगा लो, उसके बाद छूट जाएंगे। उससे पहले नहीं थे, 25 वर्ष तक नहीं थे, अगले 75 वर्ष के बाद भी नहीं रहेंगे।
तो हम इनके लिए नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं अपने लिए, हम जी रहे हैं ईश्वर के लिए। सब आत्माओं की अलग अलग यात्रा है, तो कभी भी हम ये सोच करके हताश निराश ना हों कि अब मैं किसके लिए जीऊँ। जिनके लिए जी रहा था उन लोगों ने तो मेरे को गलत समझा, तो इससे अच्छा तो फिर मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर देता हूँ। आप जीवन को तो समाप्त कर देंगे पर ये सोच समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इस सोच को बदलना होगा। और यदि आपको जीना है, आप कहते हैं कि मैं अब किसके लिए जीऊँ, तो अब आप अपने जो ईश्वर की तरफ से आपकी अज्ञान के कारण आपको जो दंड मिलना चाहिए था उस दंड को भुगतने के लिए जियो, क्योंकि उसको आज भुगत लिया तो ऋण मुक्त होकर के हल्के होकर के अगले जन्म में प्रवेश करोगे। अगर आज आपने उससे मुंह मोड़ लिया, उसको भुगतने के लिए आपने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं भुगतूंगा, अगले जन्म में ब्याज समेत भुगतना पड़ेगा, वही परिस्थितियां आ जाएंगी। तो विश्राम कहाँ है, छुटकारा कहाँ है? छुटकारा है अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर, छुटकारा है सत्य में प्रतिष्ठित होने पर। हमें आना ही पड़ेगा वहाँ। हम ये भी बहाना नहीं लगा सकते हैं कि जी हमने तो संन्यास तो लिया नहीं था, तो हम सत्याचरण कैसे करते? सत्य का आचरण तो सन्यासियों के लिए होता है जी। हम किसी आश्रम में तो गए नहीं थे, गुरुकुल में तो गए नहीं थे, तो हमें तो संसार में रहना था, तो संसार में तो हम सत्याचरण करके कैसे रहते? कोई बहाना नहीं चलेगा वहाँ पर। आप कहीं भी रहते हैं, आप किसी भी आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, वानप्रस्थ में हैं, संन्यास में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन रित नियम सबके ऊपर वैसे ही लागू होते हैं। हमें सत्य आचरण करना ही पड़ेगा, हमें अहिंसा में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। और हर स्थान की और हर वर्ण आश्रम की अपनी कुछ सुविधाएं होती हैं, अपनी कुछ कठिनाइयां होती हैं। कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है जहां एक भी कठिनाई ना हो, सारी सुविधाएं ही सुविधाएं हों। कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है जहां केवल मात्र कठिनाइयां हों, कोई सुविधा ना हो। एक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, दूसरे प्रकार की सुविधाएं होती हैं, सब जगह ऐसे होता है। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान सत्य के ऊपर है या हमारा ध्यान असत्य कामनाओं को पूरा करने की, माने तात्कालिक कामनाओं को पूरा करने के लिए, इंस्टेंट प्रॉफिट? हमारा जो मन है इसकी बनावट ये है कि ये इंस्टेंट प्रॉफिट चाहता है, इसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तात्कालिक खुशी चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए इसको। इतना लंबा इंतज़ार कौन करेगा? और ये उस तात्कालिक खुशी के लिए फिर असत्य से समझौता कर लेता है कि आ रहा है ना पैसा, कैसे भी आए ये मुझे खुशी दे रहा है ना, तो किसने देखा असत्य? लेकिन हम कहीं ना कहीं तो फंस जाएंगे। इसलिए इंस्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस वस्तु के लिए जो कीमत तय की है वो चुकानी ही पड़ती है। और हमारा जो अंतिम जो गंतव्य है वो तो हमारा सत्य ही है, उससे पहले हमें विश्राम नहीं मिल सकता है। ठीक है, हम रोज़ाना खाना खाते हैं और रोज़ाना पाखाना जाते हैं, रोज़ाना फिर भूख लगती है, तो ये क्रम चलता रहेगा, ये मरण पर्यंत इस जीवन में भी चलता रहेगा, अनेक जन्मों में भी चलता रहेगा, इससे कोई छुटकारा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी उपाय है कि कुछ वर्ष तक हम वो पुरुषार्थ करके सदा सदा के लिए इससे मुक्ति पा सकते हैं, ये भी हमारे सामने रास्ता है। तो हम जहाँ कहीं भी रहें, देखो जो हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल होता है ना, उसी से ही हम स्थूल वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे हम अपने घर में सब्जी बनाते हैं, तो हम अपने घर में कौन सी सब्जी बनाते हैं? हम वही बनाते हैं जो हमारे स्टोर रूम में रॉ मटेरियल रखा है। मूंग की दाल है तो हम मूंग की दाल बनाएंगे, चने की है तो चने की दाल बनाएंगे, लौकी है तो लौकी बनाएंगे, टिंडा रखा है तो टिंडा बनाएंगे, जो रखा है वही तो बनाएंगे। या फिर हमें उनसे अतिरिक्त चाहिए तो पहले हम वो रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, तब सब्जी बनेगी। ऐसे ही हमारे जीवन में जो ये घटनाएं घटित होती हैं और जो हमारे जीवन में हमें सुख दुख मिलते हैं, इसका कारण क्या है, इसका रॉ मटेरियल क्या है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये? इनका रॉ मटेरियल है, हम पूरे दिन सृष्टि को देखते हैं, अपने
विचार के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, जो कुछ भी अंदर ले जाते हैं। आँखों से हम सृष्टि को देखते हैं, लेकिन किस भाव से देखते हैं? पूजा के भाव से देखते हैं, कृतज्ञता के भाव से देखते हैं, भगवान की शक्ति है इस भाव से देखते हैं, या किसी आकर्षण के भाव से देखते हैं? तो वो रॉ मटेरियल बन रहा है हमारा अंदर। हम जो शब्द सुन रहे हैं वो अपने मन की प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं, अच्छे सुन रहे हैं या बुरे सुन रहे हैं, तो वो सब हमारा रॉ मटेरियल बन रहा है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने प्रार्थना की, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमा क्षभी यजत्राह, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान् सस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। क्योंकि एक एक भाव जो हम आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, मुख के माध्यम से, जो हम महसूस कर रहे हैं मन के माध्यम से, वो हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है अंदर। वो हमारा स्टोर हम भर रहे हैं, और उस स्टोर में जो कुछ हमने भरा है उसी के अनुसार फिर हमारा प्रोडक्शन होगा। वो ही हम अपने जीवन में फिर अंदर से बना करके निकालेंगे, हमारे वो ही भाव होंगे। यदि हमने देखते समय इस सृष्टि को कृतज्ञता की दृष्टि से देखा है, तो फिर हम इस सारी सृष्टि के प्रति कृतज्ञ होंगे कि देखो कितना मेरा सौभाग्य है, कितने लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। अगर मुझे ये ना मिलता तो फिर वो कभी भी शिकायत नहीं करेगा, जो इस ढंग से वस्तुओं को देखता है, संबंधों को देखता है, तो कहता है कि कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। यहाँ तक कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी भगवान का प्रसाद ही समझते हैं, भगवान की कृपा ही समझते हैं कि भगवान तूने ये परिस्थिति मेरे जीवन में लाई, तो अब इसमें मेरी परीक्षा हो जाएगी, और मेरे अंदर जो सत्व, जो साहस और जो भक्ति छिपी हुई थी वो अब अभिव्यक्त हो जाएगी। क्योंकि इसके बिना तो पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कितनी भक्ति और कितना विश्वास था ईश्वर के प्रति। अगर अब इस स्थिति में मैं टूट जाऊंगा, और अगर मैंने इस स्थिति में गलत निर्णय ले लिया, तो इसका मतलब है कि मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास वो सच्चा नहीं था। और अगर इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं अड़िग रहूंगा, अगर इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरी श्रद्धा डिगेगी नहीं, मेरा विश्वास टूटेगा नहीं, मेरी हिम्मत मैं हारूंगा नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरी श्रद्धा सच्ची थी, भगवान के प्रति मेरा विश्वास सच्चा था, माता पिता के प्रति मेरा विश्वास सच्चा था, गुरुजनों के प्रति मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा सच्ची थी। और अगर मैंने कुछ गलत निर्णय ले लिया, उनका अहित करने का सोच भी लिया, करने की बात तो बहुत दूर है, अगर मेरे मन में भी ऐसा विचार आ गया कि नहीं ये मेरे हितैषी नहीं हैं, तो इसका मतलब मेरी श्रद्धा कैसी थी? फिर मेरी श्रद्धा डगमगाने वाली थी, कंपित होने वाली थी। और फिर ये श्रद्धा यदि कंपित हो गई तो फिर उस व्यक्ति को साइड में डाल दिया जाएगा। तो ये कितना अच्छा है हमारी परीक्षा होके और हम अपलिफ्ट हो जाते हैं जीवन में। इसलिए प्रतिकूलताएं जो आती हैं वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान का वरदान है, वो भगवान की कृपा है, ऐसा समझ करके जब हम उनको अपने अंदर स्वीकार करते हैं तो ये हमारा एक रॉ मटेरियल बनता है, और उससे फिर वैसा वो वास्तव में ही हमारे लिए वरदान बन जाती हैं फिर। तो कल हमने चर्चा की अहिंसा के ऊपर, और जैसे जैसे व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया तो फिर उसके जीवन में सत्य का अवतरण होने लगता है। तो इस सत्य के आधार पे ये तीनों लोक टिके हुए हैं, सत्य के आधार पे हम सब के संबंध टिके हुए हैं, सत्य के आधार पे ये सारे संसार के सब मनुष्यों के संबंध टिके हुए हैं। अगर हमारे जीवन से सत्य को लेस कर दिया जाए तो सब कुछ फिर गिरने लगेगा, ये नींव है हमारे जीवन की। तो इसको और हम गहराई तक अपने अंतःकरण में इसको समझें, जानें, देखें, फिर वैसा आचरण करें। कल हम इससे अगला जो यम नियमों का हमारा स्टेप है अस्ते, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज ही पाठ को विराम देते हैं। ओ शान।
शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।